अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अफाक है। RBS रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। हम लोग प्लैटिनम सेल्स पार्टनर, टॉप परफॉर्मर्स और टॉप सेलर्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद और लाहौर स्मार्ट सिटी के। अच्छा, RBS का जो ओपन हाउस है वो 19th और 20th मार्च को था। आज हमारा लास्ट डे है, हम यहाँ पे साइट पे आए हुए हैं और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्पेशली कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो सक्सेस है उसके पीछे इन दो शख्सियात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रुप CEO जनाब मलिक असलम साहब और डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग जनाब मुजीब अहमद खान साहब, इन्होंने जो प्रोमिसज हमसे किए थे, आप लोगों से किए थे, वो माशाल्लाह पूरे होते नज़र आ रहे हैं और दिन ब दिन हमें खुशखबरी जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से मिलती है और हम लोग भी उस पर खुश हो जाते हैं और डेफिनेटली जब वही न्यूज़ हम अपने क्लाइंट से शेयर करते हैं तो वो भी उनकी भी खुशी दुबाला हो जाती है। तो जो साइट है बेसिकली उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी है। अनकरीब इंटरचेंज की जो ग्राउंड ब्रेकिंग है वो भी हो जाएगी आफ्टर टेंडर। इसके अलावा जो साइट की थोड़ी बहुत और डेवलपमेंट्स हैं और जो नज़ारे हैं, मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव वन की तरफ और एग्जीक्यूटिव वन का जो ब्रिज अभी मैनेजमेंट ने कंप्लीट किया है उसकी कुछ फुटेजेस आपको दिखाते हैं। ये मेरे लेफ्ट साइड पे मेडिकल क्लिनिक है, एक है जो कि 5 फ्लोर्स का है और 100 बेड्स के लिए ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है और एक ये एक मिनी मार्केट आप कह लें। आने वाले वक्त में ये सारा रोड जो है आपको प्रॉपर एसफॉल्ट रोड मिलेगा, बेल्टेड होगा इंशाल्लाह ताला और आप इस पर ट्रैवल कर सकेंगे। ये बेसिकली एक अंदर से कनेक्टिविटी दी जाएगी ओवरसीज़ और एग्जीक्यूटिव को, जो ओवरसीज़ ईस्ट है और एग्जीक्यूटिव वन है। इसके अलावा ये एग्जीक्यूटिव वन की जी मस्जिद है और एग्जीक्यूटिव वन की मॉस्क जो है वो सामने, ये भी इस टाइम पे 3rd स्टोरी तक पहुंच चुकी है। ये मेरे राइट साइड पे अगर देखें तो ये ब्रिज स्ट्रेट है ओवरसीज़ प्राइम को कनेक्ट कर रहे हैं और ओवरसीज़ प्राइम को कनेक्ट करने के लिए और आपका एग्जीक्यूटिव को कनेक्ट करने के लिए इस ब्रिज की बहुत बड़ी अहमियत है। बाकी डेवलपमेंट का काम जो है वो आप देख सकते हैं, हर ब्लॉक के ऊपर काम चल रहा है और कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसके ऊपर कंपनी ने पेस लो रखी हो या उसके ऊपर काम ना कर रहे हो। तो माशाल्लाह से ये एक बड़ा बड़ा एडवांटेज है हबीब रफीक का, क्योंकि एक्सपीरियंस टीम और जिस टाइम पे आपके पास जितने भी मशीनरीज इक्विपमेंट्स वगैरह हर चीज़ कंप्लीट हो तो आपके काम को कभी ब्रेक नहीं लगती। अगर आप ये लेफ्ट साइड पे देखें तो ये भी एक बुलेवार्ड कनेक्ट करता है इस बुलेवार्ड को आके। बिराम, अगर आप दिखा सकें हमारे क्लाइंट्स को और जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लोग, तो वो देख सकते हैं कि मोटरवे हमारा जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है उसके ब्रिज के ऊपर हम खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो एक्सेस है ये आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज है और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर 7 मार्च को 2022 को हमें फॉर्मल अप्रूवल मिल गया NHA से और इंशाल्लाह अब हम टेंडर आउट करेंगे। जो भी एक प्रोसीजर है कंस्ट्रक्शन देने का, कोई भी जो फर्म इसकी को बिट करेगी और उसकी इसको जीतेगी इस टेंडर को, वो यहाँ पे हमें कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज इंशाल्लाह कंस्ट्रक्ट करके देगी। जी, मेरे साथ आज हमारे बहुत ही अच्छे क्लाइंट और एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर वहाब भाई मौजूद हैं। वहाब भाई बेसिकली आउट ऑफ कंट्री होते हैं और ये 2 दिन पहले ही पाकिस्तान वापस आए हैं और फर्स्ट टाइम साइट पर विजिट कर रहे हैं, तो आइए इनसे इनके तासवात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफाक, पहले ही बात तो ये कि थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इनवाइट भी किया यहाँ पे आने पे और मुझे 2 दिन पहले ही, मैं जिस तरह आपने बताया मैं वापस आया हूँ आउट ऑफ कंट्री से और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने विजिट किया और माशाल्लाह डेवलपमेंट जितनी भी मैंने देखी है इस वक्त इन्वायरमेंट बहुत नाइस इन्वायरमेंट है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट चल रही है इस वक्त। मैंने एक अच्छा स्टेप ले लिया था कि पास्ट में मैंने RBS के साथ एक इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा और RBS ने थ्रू आउट जितनी भी मेरी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है मल्टीपल प्लॉट्स में, उसमें RBS थ्रू आउट अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और इन चीज़ों पे और हेल्प आउट करता है कोई भी इशू आ रहा हो, तो अल्लाह का शुक्र है। मुझे इस चीज़ पे बड़ा फख्र है कि मैं RBS के साथ काम कर रहा हूँ और RBS जो है ना वो फ्यूचर में और हमें बेनिफिट देगी। नो डाउट। और आफ्टर सेल सर्विसेज आपको मिल रही हैं वहाँ भाई? सर हमेशा मिल रही हैं, इवन जो छोटी छोटी सी इंस्टॉलमेंट्स भी हैं वो भी RBS मेरी टेक को हैंड ओवर कर रहे हैं। लिटरली मुझे कोई इतना पेन भी नहीं है, इजीली हम इसको काम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, इसलिए कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद है नौशरवान कैनी साहब जो कि मैनेजर है अलशफाई ट्रस्ट में। इन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट की थी रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन RBS के साथ मिलकर, तो आज किस वीडियो में इनसे जानना चाहेंगे कि इनको जब हमने RBS के ओपन हाउस में बुलाया
और इन्होंने कैप्टन स्मार्ट सिटी की जो डेवलपमेंट देखी, तो इनके रिव्यूज क्या है कैप्टन स्मार्ट सिटी के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपने आज कैप्टन स्मार्ट सिटी का डिटेल्ड विजिट किया और आज आरबीएस के ओपन हाउस में आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि आपने कैप्टन स्मार्ट सिटी का जो डिटेल्ड विजिट किया, इसमें आपने क्या देखा है और आपको कैसी लगी इसकी डेवलपमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ओपन हाउस में बुलाया और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ की कि तेज़ी से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स बन गई हैं और विलाज यहाँ तामीर हो रहे हैं, इसके अलावा और डेवलपमेंट है, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जो है आपका वो तैयार है तकरीबन, तो माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस है और विद इन आई थिंक 1 ईयर ये बहुत अच्छा जो है हाउसिंग स्कीम जो है ये नई बुलंदियों पर पहुँचेगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने एक्नॉलेजमेंट किया। तो मैं इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन आरबीएस के साथ आपने ये इन्वेस्टमेंट की थी, तो आरबीएस की सर्विसेज के बारे में आपका क्या ख्याल है कि आरबीएस किस तरह की कंपनी है और उसने आपको किस तरह की सर्विसेज दी? देखें जी, आरबीएस का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मतलब उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया कैपिटल सिटी से, और ये कि बड़ी प्रोफेशनल इनकी सर्विसेज हैं, और मैं मतलब ये सबको ये कहूँगा कि आरबीएस से ज़रूर रुजू करें, बहुत अच्छी कंपनी है ये, मैं बहुत मुतमईन हूँ।